मीना, तुमने फरवा को क्यों नहीं बताया कि फवाद पास्ता नहीं खाते? नहीं नहीं भाभी, मैं तो नहीं बताऊंगी। आपको पता है वो मुझे क्या क्या कहती हैं, फिर डर लगता है मुझे उनसे। मीना, मैं कुछ बोलूंगी तो वो गलत ही समझेगी ना, तुम्हें बताना चाहिए था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हो गया? आपको पता है मारे भाभी ने मेरे साथ क्या किया है? क्या कहा है उसने? क्यों रो रही हो तुम? मामा, मैं जब उससे मेरी शादी नहीं होने देंगी। क्या? मैं जब उससे बात करी थी उन्होंने मुझे देख लिया, उसके बाद वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं इसी तरीके से सऊद से बात करती रही तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो अपने किसी दोस्त से सऊद की शादी कराना चाहती है। मामा, मुझे सऊद हराल में चाहिए। क्या ये सब कुछ उसने तुमसे कहा? उसकी इतनी जुर्रत! अगर तुम्हारी शादी सऊद से नहीं होगी तो मैं देखती हूँ वो कैसे इस घर में रहेगी। अब वकार को कोई फैसला करना ही होगा। मामा, मुझे सऊद से शादी करनी है। मैंने कहा ना, मैं वकार से बात करती हूँ। चल बस। मामा, वो मेरी शादी नहीं होने देगी उससे। चुप करो। बस। फवाद, मैंने पास्ता बनाया है आपके लिए। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन मुझे पास्ता पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो क्या हुआ, इतने दिल से बनाया है मैंने आपके लिए, थोड़ा सा खा ले। मैं जो चीज नहीं खाता वो कभी नहीं खाता। और सारा, तुमने भी फरवा को नहीं बताया कि मुझे पास्ता नहीं पसंद? फवाद, इतने प्यार से बनाया उसने आपके लिए, खाए ना, बहुत मजे का है। मैंने तुमसे चाय का कहा था, मुझे चाय कमरे में ला दो। देख लिया तुमने? देख लिया तुमने? जितना मैं इस शख्स के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करती हूँ, धुतकारता ही है मुझे। इसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है मेरे लिए। कितना कुछ कर लिया इस आदमी के लिए मैंने। इसके दिल में सिर्फ तुम हो, ये तुमसे मोहब्बत करता है। इसके दिल में कोई जज्बात नहीं है मेरे लिए, कोई एहसास नहीं है। और ये घर तुम्हारा है, इस घर के लोग तुम्हें अपना समझते हैं। मेरी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। फिर मैं क्यों रहूं यहाँ पे? हाँ, क्यों रहूं मैं इस घर में? मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। फरवा, ये क्या हिमाकत है? इतनी सी बात पे कोई घर छोड़कर जाता है? इतनी सी बात तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और क्यों दी है मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी? क्या मिल रहा है मुझे? जिल्लत, रुसवाई, हकारत, धुतकार? सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, हर किसी को वक्त लगता है ना घर में अपनी इज्जत बनाने के लिए। तो तुम क्या वक्त लगेगा? हाँ, तुम्हें कितना वक्त लगा? शादी के फौरन बाद तुम्हें मोहब्बत मिली, इज्जत मिली, इस घर में बहू की हैसियत मिली, मुझे क्या मिला? तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हारे होते हुए मुझे इस घर में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो? समझती नहीं थी, लेकिन अब यकीन हो गया है। तुमने दोस्ती की आड़ में मुझसे दुश्मनी निभाई है। नहीं फरमा, मेरे लिए इस तरह बदगुमान मत हो, ऐसे मत सोचो मेरे बारे में। तुमने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सारा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं फवाद को सब जाऊंगी। फरवा, सारा मुझे जाने। फरवा प्लीज, तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। फरवा, तुम क्या कर रही हो ये? मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। ना, मैं यहां नहीं रुकूंगी। फरवा, ये क्या तरीका है? क्या हो गया है? फरवा रुको, फरवा मेरी बात सुनो। फरवा रुको, नहीं जा सकती। क्या हो रही है सर? इस तरह नहीं जाओगी तुम घर छोड़ के। क्या हो गया? फवाद ये नाराज होकर घर छोड़कर जा रही है।
नाराज होकर किस बात पे? क्योंकि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मुझे वैल्यू नहीं करता, कोई इस घर में मुझे कबूल तक करने को तैयार नहीं है, तो मैं क्यों रहूं यहाँ पर? मुझे जाना है। अरे तुम्हारा घर है फरवा, नहीं जाओगी तुम कहीं पे भी? इसे क्या बात हुई कि तुम इतना फस क्रिएट कर रही हो? रियली? इससे पहले मैंने कौन सा फस क्रिएट किया है? हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, हमेशा वैल्यू की है। पास्ता बनाया इतने दिल से आपके लिए, आपने नहीं खाया। मुझे पास्ता पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें बताया। बजाय इसके तुम इस बात को समझो, तुम इस पे रिएक्ट कर रही हो। फवाद क्या? एक मिनट, अगर तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोके। फवाद ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं फवाद, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे। फवाद रोके उसे, मैं उसको जाने नहीं दूंगी। कोई बच्चे नहीं सामने। अम्मा गुलाब खान, गुलाब खान। जी बीबी जी। ये बैग उठाओ और गाड़ी निकालो। अभी? हाँ अभी और इसी वक्त, जल्दी आओ। जी बीबी। क्या? क्यों? बहुत छोटी सी बात है, आपको पता ना फवाद को पास्ता नहीं पसंद, तो मैंने उसको समझाया, उसको बुरा लग गया। ये तो बहुत छोटी सी बात है, भी हमारे खानदान में बहुएं नाराज होकर घर छोड़कर नहीं जाती। जाती हूँ ना, कुछ तो करें। फवाद कहाँ है? उसने क्या रोकने की कोशिश नहीं की? उन्होंने तो कहा कि हाँ जाना चाहती तो चली जाओ, अब आप जाके देखें प्लीज। या अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में? चलो फरवा, फरवा भी कहाँ है? वो तो ड्राइवर के साथ चली गई। फवाद, बेटा तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने घर छोड़ के चली गई और तुमने उसे रोका नहीं? क्या बात इतनी बड़ी थी जितना उसने इशू बना लिया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया? लड़कियों को टाइम लगता है ससुराल में एडजस्ट होने का, उसे समझाने के बजाय तुमने उसे जाने दिया। समझाया तो आपने भी था, क्या हुआ उसने उल्टा असर लिया। खैर अब तुम जाके उसे वापस ले आओ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। इसी वक्त से डरता था मैं, ये आप दोनों की प्लानिंग है, आप ही भुगते से। हमारे खानदान के मर्द हमेशा बीवियों की ढाल बने, तुम उसे ऐसे अकेले छोड़ दोगे? ये किसी को अकेला नहीं छोड़ा, आप जाने वो जाने, मुझे इस वुमन पॉलिटिक्स से दूर रखें। वो तुम्हारी बीवी है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। आप लोगों के मजबूर करने पर मैं किस तरह ये जिम्मेदारी निभा रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। मुझे दोनों के बीच में शटलकॉक मत बनाएं। वो इस घर में आप दोनों की ख्वाहिश से आई थी और अपनी मर्जी से गई है, मेरी नहीं। ठीक है, मैं उसे खुद लेने जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे उसको लेने के लिए? क्यों? अमरजान, मैं नहीं चाहती कि आपकी इज्जत में कोई कमी आए। आपकी इज्जत और आपकी खुददारी मुझे अपनी इज्जत से कहीं ज्यादा अजीज है। वो मुझसे नाराज होके गई है ना, मैं उसे बना कर लेकर आऊंगी। इसे क्या बात हुई कि तुम इतना फस क्रिएट कर रही हो? रियली? इससे पहले मैंने कौन सा फस क्रिएट किया? हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, हमेशा वैल्यू की है। पास्ता बनाया इतने दिल से आपके लिए, आपने नहीं खाया। मुझे पास्ता पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें बताया। बजाय इसके तुम इस बात को समझो, तुम इस पे रिएक्ट कर रही हो। फवाद क्या? एक मिनट, अगर तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोके। फवाद ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं फवाद, तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे।